मुबारक जनाब, मुबारक फयाज सर, इमरान साहब मुबारक। एम पी फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर और नौजवान साथी हमारे इमरान शेख साहब जो कि यहाँ डिप्टी मेयर भी रहे हैं, ये सब आज इस कारवां के साथ जुड़ने वाले हैं। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से इनको इस आमद में बहुत बहुत ज़्यादा अपने तहे दिल से शुक्रिया और मुबारक पेश करता हूँ। इसके बाद मैं दावत दूंगा हमारे कायद और हमारे सरपरस्त सदर जनाब सजाद लोन साहब से कि वो माइक पर आकर दो चार कलमात बयान करें। मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। इन सब के साथ ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। सफीना जी के साथ तो हमारे घर के ताल्लुकात हैं बिल्कुल। मुर्तजा साहब दोस्त हैं हमारे, लावे साहब हैं, फयाज तो छोटा भाई है। इसको पिछले शायद 15 साल से मैं बोल रहा था, तो शायद आज इसने सोचा चलो बड़े भाई के घर आ ही जाऊं। लेकिन बहुत मुद्दत से इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जिस तरीके से इसने वहाँ स्ट्रगल की, और फिर हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं इमरान साहब, मेरे जेल के साथी भी हैं, जेल में भी वक्त इकट्ठे गुजारा, उससे पहले भी गुजारा, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है और जिस तरीके से नामवर शख्सियात जिनका एक अच्छा इन्फ्लुएंस है लोगों में वो आ रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं जम्मू कश्मीर के सामने, जो पिछले 2 साल में जो हुआ उसके बाद जो इनॉर्मस चैलेंजेस हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस कलेक्टिवली एक ऐसी टीम बन के सामने आ रही है जो इंशाल्लाह लोगों की उम्मीदें जो हमसे हैं उन पर उतर आएगी और इन चैलेंजेस का सामना करेगी। और जो स्लोगन लेके हम पीडीपी बनाने वालों में से बुनियादी लोगों में से थे, हमारा स्लोगन ये था कि जम्मू कश्मीर में सियासत के बड़े बड़े जो पेड़ थे उनमें घुन और बिच्छू लग गए। लेकिन वक्त ने बाद में ये साबित कर दिया कि जो स्लोगन लेके हम चले थे उस पार्टी को भी बड़े बड़े घुन और बिच्छू लग गए, इस वजह से हमने अपना रास्ता अलग रखा। देखिए, जहाँ तक आपकी पहली बात है कि मेरी चेयरपर्सन के हवाले से जो आपने पूछा, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता है क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। अगर मैं ऑपोजिशन में भी रहूँ तब भी मैंने पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए वो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं राइट पर्सन नहीं थी ऑल पार्टी मीटिंग के हवाले से बात करने के, लेकिन जिस वक्त एक प्रोपोगंडा सा चला, तो एक फेक प्रोपोगंडा चला बेग साहब के हवाले से, तो उस ज़िमन में मैंने कुछ बात की थी और मैं अभी भी उस पर स्टैंड हूँ। आपसे मेरा सवाल है, आजकल यहाँ पे श्रीनगर में देखा जा रहा है कि LED लाइट्स ट्राई कलर की इंस्टॉल की जा रही है, एंड पीपल वांट फिफ्थ ऑफ अगर शॉपकीपर्स या फोर सपोर्ट ऑफ शॉप, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, जहाँ तक LED लाइट्स का सवाल है वो तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इन अ डेमोक्रेसी वी विल नॉट एंडोर्स एनी एक्शन जहाँ बाई फोर्स किसी को खुलवाया जाए या बंद करवाया जाए, बोथ वेज खुलवाया जाए या बंद करवाया जाए, हम किसी भी फोर्सफुल एक्शन के खिलाफ। यार मैंने बोला ना, यार देखो मेरी बात सुनो, मैंने बोला खुलाना बंद करना दुकान दोनों के खिलाफ है, वो अगर चशी बनो सोने से बंद नहीं मैं अंदर। थैंक यू।